huge, and I'm very happy. I'm elated, thrilled. I mean, I'm at a loss for words कि मैं कितनी खुश हूँ. Actually, खुश से ज़्यादा मुझे blessing ये है भगवान की और सारे followers की, likers की, viewers की, makers की. तो touch wood क्योंकि बहुत कम ये देखने को मिलता है एक एक्टर को अपनी लाइफ में कि वो 1500 एपिसोड्स एक ही सीरियल के सेलिब्रेट करे. सो इट्स ह्यूज एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी वेरी फॉर्चुनेट. मैं सेलिब्रेट तो भी कर ही रही हूँ सबके साथ, कर भी चुकी हूँ. मेरे फैंस ने बहुत सारे केक्स भेजे थे, वो मैंने खाए भी, काटे भी, बांटे भी. सो आई इन माई हार्ट एंड अदरवाइज ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी सेलिब्रेटेड. ये सेलिब्रेशन तो चलता ही रहेगा. इट इज़ समथिंग विच आई विल सेलिब्रेट ऑल माई लाइफ एंड चेरिश ऑल माई लाइफ. जब मैं सेट पे होती हूँ तो मैं प्रीता बन चुकी हूँ और आई थिंक कई बार, मतलब ऑफकोर्स आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्टेस्ट एनी वन हियर, लेकिन कई बार मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को राइटर से भी ज़्यादा प्रीता समझती हूँ. क्योंकि कई बार कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जो राइटर ने तो प्रीता के लिए लिखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रीता नहीं बोल सकती, या प्रीता ऐसा नहीं करेगी, या प्रीता ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगी. तो आई डू द सीन अकॉर्डिंग टू हाउ प्रीता वुड डू इट. क्योंकि आई थिंक नाउ after so many years I know Prita the best. Oh, the new star cast is absolutely rocking. They are amazing people. Paras, Basir, Sana, itne zyada cute log hai aur I have a lot of fun around them. I think my decision of like staying back in the show and carrying it on became really worth it because the new cast is like so like breath of fresh air. but you know honestly because I always speak out of my heart. तो जब हम लोग सृष्टि और मैं discuss करते थे कि यार अभी एक हफ्ते के बाद हमको कोई आ जाएगा माँ और मासी बुलाने वाला, तो हमको ऐसे लगता था. और सृष्टि कहती थी मैं उसे बोलूँगी मुझे माँ नहीं बुलाए और मुझे you know, कुछ भी और बुलाए, बट माँ नहीं बुलाए, मासी नहीं बुलाए. तो वी यूज़ टू फील रियली ऑड कि एक हफ्ते में या कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है. एंड व्हेन द डे केम और ऐसा हो गया तो दे आर सो क्यूट एंड आर बॉन्डिंग लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. वी हिट इट ऑफ सो वेल कि अब बड़ा मज़ा आता है. लाइक आई एम नॉट थिंकिंग कि ओ यार मैं मदर कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बट आई एम रियली इन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग. या इट वाज इनिशियली मतलब बीच बीच में सबकी बातें सुन के कि मुझे शुरू से नहीं था कोई भी. व्हेन द फर्स्ट डे इट वाज टोल्ड टू मी दैट लीप होने वाला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इनफैक्ट आई वाज हैप्पियर क्योंकि मुझे लगा कि नाउ द बर्डन विल बी शेयर्ड. मुझे भी मेरी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम मिलेगा. सिंस आई हैव गॉटन मैरिड आई हैव नॉट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई हस्बैंड इन माई हाउस इन विशाखापट्टनम. मैं 5-5 दिन के लिए जाती हूँ तो आज तक मैं बस छुट्टी मना रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ. आई हैव नॉट रियली लिव्ड विद हिम लाइक अ वाइफ. तो मुझे लगा कि शायद ऐसा होगा तो मज़ा आएगा. तो आई वॉज एब्सोल्युटली यू नो इन अग्रीमेंट. उसके बाद जब लोगों ने कहना शुरू किया, दोस्तों ने, कुछ और लोगों ने कि यू नो यू शुड क्विट द शो क्योंकि क्यों प्ले करना इतने बड़े बंदी का रोल के यू नो व्हेन यू आर नॉट दैट. एंड तो मैं थोड़े दिन के लिए ऐसा सोच रही थी, बट देन मैंने की अपने दिल की क्योंकि मैं इस शो से बिगिनिंग से हूँ. ऐसा नहीं कि मैं बीच में आ गई और इमीडिएटली मुझे ये कैरेक्टर. आई हैव ग्रोन एवरी डे इन द शो एंड अदरवाइज. मतलब एक 6 साल पहले की श्रद्धा और अभी की श्रद्धा में बहुत फ़र्क है. वो सिंगल थी, शी वॉन्टेड टू एवरी अदर मंथ गो अब्रॉड एंड हैंग अराउंड विद फ्रेंड्स. अब मैं मैरिड हूँ, वेन एवर आई गेट छुट्टी आई वॉन्ट गो स्पेंड इट विद दिस वन पर्सन हु इज़ माई हस्बैंड. आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल. तो चेंजेस मेरी रियल लाइफ में भी आए हैं और वो अगर स्टोरी में ऑब्वियसली मेरी रियल लाइफ की तरह तो स्टोरी चलेगी नहीं. स्टोरी ज़्यादा अभी भी लोग कहते हैं स्लो है पर फिर भी जैसे भी चलेगी वो मेरी कहानी है. तो वाई शुड आई नॉट प्ले माई कैरेक्टर. स्टोरी में वो दिखा रहे हैं कि प्रीता वो हो गई, मैं असली में थोड़ी हो गई यार. आई थिंक एक्टर्स नीड टू कीप एन ओपन माइंड फॉर प्लेइंग यू नो डिफरेंट
kind of roles and roles of belonging to different age groups, because you're an actor end of the day. वो पहले तो नहीं देखते थे, अब मैं, अब जब से शादी हो गई फिर वो थोड़ा थोड़ा देखने लगे. माय इन-लॉज वॉच इट वेरी यू नो रेगुलरली माय शो, दे बिकम क्वाइट फॉन्ड ऑफ द शो, और वो मुझे इनपुट्स भी देते रहते कि ये नहीं ऐसे कपड़े नहीं वैसे पहनो. तो एवरीवन इज़ रियली सपोर्टिव एंड माय हस्बैंड ही डजंट गेट द टाइम टू वॉच द शो एवरी डे, बट ही नोज फ्रॉम मी व्हाट्स हैपनिंग इन द शो. एंड वो मतलब ही इज ऑलवेज ऑल इयर्स टू माय रैंट्स अबाउट द शो. यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एकदम से इसका जवाब ऐसे देना बनता भी नहीं है. बहुत सोचने की बात है कि एक्चुअली मैं बोलूँगी तो बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसी बोल रही है, स्टीरियोटाइप हो जाता है, हमने ये किया फिर हमने ये किया. लेकिन I cannot speak on behalf of other people. I can only speak on behalf of me. I had played a negative role in Dream Girl, Shashi Sumit's production. It was absolutely negative. Matlab, I could not stand the positive woman around me. मैंने सब किया उसको हटाने के लिए वो. और उसके immediately बाद मैंने कुंडली भाग्य किया. तो I think it's up to that person. How versatile you think you are, how accepting you think you are, how accepting as in terms of challenges, or also probably I was lucky. तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए I was not shy of you know picking up or continuing with the role. I am not, and I know that you are still going to see me in younger roles again, and probably here, TV, OTT, and this is my home. I'm never leaving it. I just said that in another interview as well, ke during Kundli Bhagya, I've become so used to a lot of love from followers, fans. मेरे लिए लड़ते हैं, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है तो उसमें मेरा साथ देते, कुछ भी करते हैं. तो आई डोंट नो यू नो टिल व्हेन आई एम डूइंग दिस शो और आई एम गोइंग टू बी डूइंग समथिंग एल्स और वेयर आई विल बी इन लाइफ, बट आई हैव बिकम रियली यूज्ड टू योर लव. सो आई होप यू गाइस विल ऑलवेज लव मी लाइक यू डू, एंड आई ऑलवेज यू नो हैव समथिंग न्यू टू एंटरटेन यू विद इन माई हैंड्स.